Hello friends, my name is Aslam Sheikh and today I'm going to introduce you a profession or a course of study which is going to make you proud when you be a part of it. Hello to all. Welcome to my YouTube channel and thanks for regularly watching our videos. My name is Aslam Sheikh and I'm the founder and CEO of Alif. Today we are going to discuss another very informative topic. हाँ दोस्तों, जैसे आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में आप प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं और पूरा देश आपके साथ में खड़े होता है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सल्यूट करने के लिए, उसी तरीके से इस प्रोफेशन में भी लोग दिल से आपको प्यार करते हैं। बस इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि बैडमिंटन ये जो स्पोर्ट्स है, इट वॉज इन्वेंटेड इन पूना एंड इट वॉज नेम पूना इन द इनिशियल डेज एंड लेटर ऑन पूना इन द सेंस इन इंडिया ऑफकोर्स एंड लेटर ऑन इट वॉज टेकन बाय ब्रिटिशर्स एंड इट वॉज रीब्रांडेड एज बैडमिंटन। नहीं ना, तो चलिए डिस्कवर करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज अ प्रोग्राम। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाई क्या होती है, राइट? बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मुझे क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है या टेनिस प्लेयर बनना है, देन आई गो एंड जॉइन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। In order to do that, you would want to join the club or the community whereby you actually get trained to be a player. But यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज अ कोर्स की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अपना करियर एज अ स्पोर्ट्समैन नहीं बनाना है लेकिन उस स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहते हैं, उनको ये फील्ड अच्छी लगती है, उनको ये इंडस्ट्री अच्छी लगती है, एंड दिस इज़ वेयर यू टेक अ करियर इन टू अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स। When you talk about the sports management specialization, it could be like a sports journalism, whereby you want to be a journalist, but you want to specialize into sports field. So you want to learn about the broadcasting of the events, writing the news, writing the articles, writing about the athletes, the sports stars, their stories. And you want to cover the events which are happening across the globe. The other specialization is like sports events. Now, sports events, how do you manage or how do you organize the events? एक जैसे IPL हो रहा है, IPL कोविड में हम दुबई लेके जा रहे हैं, तो दुबई में किस तरीके से होगा, उसका वेन्यू का क्या होगा, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से, उसकी फंडिंग कैसे होगी, उसके स्पॉन्सर्स क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, जिस इज स्पोर्ट्स इवेंट। टॉक अबाउट स्पोर्ट्स डेटा एनालिसिस और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सो देर आर लॉट्स ऑफ एरियाज लाइक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, देन हाउ टू इंक्रीज और एनहांस योर परफॉर्मेंस, यू टॉक अबाउट दैट, यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स मेडिसिन, यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, यू टॉक अबाउट मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्समैनशिप, यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स कोचिंग। सो टॉकिंग अबाउट द इंटर्नशिप पार्ट, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू एन इंटर्नशिप एट योर बैचलर्स एज वेल एज एट योर मास्टर्स लेवल, एंड यू गेट चांस टू असिस्ट इन द बिग इवेंट्स, वर्क विद द बिग प्लेयर्स और बिग इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज फॉर स्पोर्ट्स, और ऑल्सो वर्क एंड सर्व इन द बिग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट इट्स रिक्वायरमेंट, फ्रेंड्स यू कैन बी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट्स एंड यू कैन स्टिल परस्यू द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। If you like this video, please thumbs up, subscribe to my channel if you have not done so. Also share this video with your friends and other family members who you know that they have got the kids or they have got the sports enthusiast in their family and they want to make a career in sports management. Aaj tak ka safar yahin tak, agli martaba phir aapse mulaqat hogi ek naye video mein, tab tak ke liye apna khayal rakhiye, adab।